आई थिंक इट वॉज टू अर्ली फॉर मी टू से है क्या नहीं है. सो या दैट वॉज चलो आज बेडशीट चेंज कर रहे हैं एक बार, ये पूरा साफ भी कर रहे हैं. सुभाष वो भी कर दिया ना, वो हेडबोर्ड पे जो है ना मिट्टी खट्टी होती है सारी. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे मिट्टी इतनी है ना इनके अंदर अंदर जाती है, तो वैक्यूम करे तो ही क्लीन होता है, गीले कपड़े से भी उतना क्लीन नहीं होता है. तो अगर आप सोचो ना वेलवेट या फिर ऐसे कपड़े करने का, तो अगर वैक्यूम है तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ गीले कपड़े से मतलब काफ़ी रेगुलरली क्लीन करते रहना पड़ेगा. अभी से बेडशीट बिछाना कि थोड़ा टाइम ऐसे छोड़ना है, मतलब कहीं बाहर बालकनी में लगा दें क्या धूप पे. आज सुभाष बिल्कुल सफाई के मूड में, सब अंदर से सामान निकाल के अंदर अंदर सब वैक्यूम मारेगा अभी. हाँ पता है मुझे, तब मैंने ही रखे हैं, कुछ नहीं सड़ा है वो, रखो उसको, सिर्फ तुम अपना वैक्यूम से साफ करो, दैट्स इट. कुछ फेंकने को नहीं बोला है सामान, वहाँ पे उतना गंदा नहीं है पता है. ये जो है ना यहाँ पे एक्चुअली जो ट्रॉलीज है ना नीचे, इनको पुल करो ना तो ये पूरा बाहर निकल के नहीं आती है, तो ये जो आधा एरिया रह जाता है ना वो साफ करना बड़ा मुश्किल है. पीछे का तो मैं कर देती हूँ, बीच का एरिया बड़ा मुश्किल है साफ करना. साफ ही है सब, उतना गंदा है नहीं, है नहीं आपको उतना गंदा, साफ है. आज सुभाष पूरा किचन साफ कर दी, मानेगा ऐसा सुभाष? जब सुभाष डेली डेली नहीं रेगुलरली करते हो, सो बिल्कुल चमक गया है, बिल्कुल सब चमका देता है सुभाष. आज एग गिर गया था पता है, इसलिए अंडे की स्मेल आ रही है. आज सब मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आज आने आज तो आ जाने के पापा भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं. आई एम सो सैड. सब पार्टी, सुभाष के लास्ट वीक की क्रिकेट की पार्टी है. चलो एंजॉय, चलो बाय बाय, बाय, सी यू. यस, पर माफ़ी है तुमको बिकॉज चाय पिलाई सुभाष ने, मैं चाय पी रही हूँ. बाय, आ जाना ट्राई करना जल्दी आ सको तो. 11 बाय बाय, फोन ले लिया. चलो भाई हम हमारी तन्हाई यहाँ पे रखे सर आइया के पिछले साल के बुक्स, कुछ बुक्स हैं जो मैंने दे दिए हैं जिनको चाहिए थे, लेकिन काफ़ी कोर्स चेंज हो गया ना इसलिए कुछ बुक्स यहाँ पे रह गई हैं, और ये न्यूज़पेपर भर गया है यहाँ पे. तो न्यूज़पेपर अभी रद्दी वाले को बुलाया था, वो आया ही नहीं. इवनिंग की लाइट ऑन किया जाए, अब लगता है ना इवनिंग में जब लाइट्स ऑन होते हैं लाइवली, सारू को आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना लाइट. अब भी कैसे दिखाओ, हाँ अभी जब लाइट्स ऑन होते हैं तब लगता है ऐसा लाइवली लाइवली. सो फ्रेंड्स ये रही हमारी चाय, चीयर्स. सो आइनिया को छोड़ के आने के बाद कल रात को ना बिल्कुल नींद नहीं हुई थी, जैसे मैंने बताया था आपको कि आइनिया को उसको खुद ही 10 बार उठ रही थी और मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा वो होता है ना, पहली बार उसको भेज रही थी तो कहाँ भेजा है क्या है बताती हूँ आपको बाद में. तो उसको छोड़ के आई, उसके बाद थोड़ी देर बहुत माना ऐसा घर में आके ना खाली सा, स्पेशली उसके रूम में जाओ ना तो थोड़ा फील हुआ. फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा पहले बाहर बाहर थोड़ा वॉक वगैरह पे जाती हूँ, बट फिर ना बॉडी बहुत एक हुई थी मेरी क्योंकि नींद हुई थी, तो मैंने कहा चल सो जाती हूँ छोड़ो. सो गए, फिर खाना भी नहीं बनाया मैंने, खाना भी आज बाहर से ही लंच ऑर्डर किया तो वही खाया. तो देखते हैं रात को क्या बनाना है, बिकॉज अनन्या नहीं है, सुभाष की भी रात को डिनर है, तो फिर देखते हो अभी क्या बनाऊँगी. तो बैठ के आराम से चाय पी रही हूँ. सुबह मैं सो गई, फिर ऐसे ही निकला दिन, थोड़ा बहुत साफ सफाई किया, सुभाष ने जैसे आपने देखा सारा क्लीनिंग किया, सारे बेडरूम्स के मैंने वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करी, ऑक्यूपाइड रखा थोड़ा अपने आप को. फिर थोड़ा उसको मुझे फील हो रहा था, फिर जाके अनन्या ने फोटोज़ भेजने स्टार्ट किए वहाँ से. तो वो फोटोज़ देख के और वो इतनी खुश है ना, उसने अपने डॉर्मेटरी की वीडियोज़ बना के भेजी, वो सारा मैं यहाँ पे चला दूंगी तो आपको पता लगेगा उसने अपनी, और जो उसकी शक्ल है ना विच शोज शी इज सो हैप्पी सो एक्साइटेड, उसको देख के इतना अच्छा लगना है, वाज लाइक कि चलो शी इज हैप्पी शी एंजॉयिंग, तो वो देख के बहुत अच्छा फील हुआ. सो आई एम फीलिंग मच मच बेटर नाउ. सो अभी फिलहाल बैठ के अकेले तसल्ली से चाय पीते हैं. अपने से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मैंने अमेजोन हॉल गया ना सामान खरीदा है मेरे उस पे वीडियो से देख के. सो ये वाले पे किशन कवर्स भी काफ़ी लोगों ने लिया है, मेरे साथ फोटोज शेयर करी हैं. सो मैंने वही बोला कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना. सो थैंक यू. अगर आप में से किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया अमेजोन हॉल वाला तो डेफिनेटली चेक कर लेना, वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. सो यहाँ पर थोड़ा चिकन मैरिनेट कर लिया है, चिकन के जो ब्रेस्ट पीस है ना वो उनको छोटा छोटा करके क्यूब करके काट लिया, उसमें डाला है सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, ओरेगानो और नमक, बस इतना ही. आम का सीज़न आ गया, हमारे सोसाइटी के पेड़ में भी कच्चे कच्चे आम आ गए हैं.
सो थोड़ी देर के लिए वॉक करके आई, समझ में नहीं आता क्या करूं, फ्री टाइम था तो मैंने सोचा वॉक करके आते हैं, तो वॉक करके अभी एक दो काम पेंडिंग थे, मैंने सोचा बैठ के वही कर लेती हूँ, सुभाष अभी तक आए नहीं है और अभी जस्ट अनन्या का वहां से जहाँ पे अनन्या गई है ना, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ पक्का शेयर करूंगी कल आराम से बैठ के। सो वहां से उनकी तरफ से ना बाय दी दिन में 2 या 3 ऐसे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आते हैं कि कहाँ, जैसे आज बस निकली, बस पहुंच गई है करके, उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा करके और अभी कुछ फोटोज शेयर करी है पूरे दिन का। तो एवरी डे दे आर गोइंग टू सेंड बाय द एंड ऑफ डे नाइट टाइम पे कि उन्होंने पूरे दिन क्या एक्टिविटीज करी, तो कुछ कुछ फोटोज बच्चों के रैंडमली भेजने वाले हैं विद पूरा मैसेज कि आज उन्होंने क्या क्या किया है करके। सो अभी जस्ट उन्होंने शेयर किया था तो आज उनको स्नेक साइट हुआ और अनन्या की एक दो जगह पे फोटोज थी तो मैं शेयर कर दूंगी सब यहाँ पे। सो इट वॉज नाइस टू सी शी वॉज इंजॉइंग और अनन्या का भी फिर मैसेज आया करके गुड नाइट बोल के एंड शी वॉज वेरी हैप्पी और मुझे एक्सपेक्ट ऐसा लग रहा था कि शायद ना वो मुझे बोलेगी क्योंकि रात के टाइम पे ना उसको मेरे साथ ऐसे 5-10 मिनट सोना होता है फिर वो सोती है, मुझे लगा था कि शायद वो बोलेगी कि मम्मा आई मिस यू आप आ जाओ शाम को, बस एक बार उसने बोला कि आई विश आप यहाँ पे होते, ऐसे रात के टाइम पे सोने के टाइम पे उसने गुड नाइट बोला एंड और कुछ मेंशन नहीं करा। सो इट वॉज सो नाइस, प्लस थोड़ा सा मुझे लगा ओ मुझे मिस नहीं कर रही है क्या, तो वैसा बट आई एम सो हैप्पी कि वो इतना एंजॉय कर रही है कि शी इज नॉट दैट मच, जो मुझे लगा था कि बहुत सैड हो जाएगी ये वो, सो वैसा नहीं है। सो इट इज वेरी गुड लर्निंग उसके एज में टू यू नो गो आउट और बी इंडिपेंडेंट अपने से सब कुछ करना। सो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कल आराम से बैठ के, कहाँ भेजा है, कितने दिनों के लिए भेजा है, कैसे पता लगा और क्या क्या कर रही है अनन्या, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक इट वॉज टू अर्ली फॉर मी टू से, अभी अनन्या का जस्ट फोन आया था वहाँ से उनकी तरफ से एंड शी वॉज लाइक कि मम्मा मुझे घर आना है, मुझे लेके जाओ घर रात को, मुझे पता मुझे ऐसा लग ही रहा था ना, वो सो हैप्पी कि शायद वो सो गई, बट अभी जस्ट उसका कॉल आया कि मुझे घर जाना है आप मुझे लेने आओ। मुझे इसी चीज़ का ही डर था कि रात को, और इसी चीज़ की वजह से मैंने उसको भेजा कि थोड़ा उसको होना चाहिए अकेले यू नो सोने का वैसा। सो मैं भी बहुत ज़्यादा आई एम नॉट फीलिंग दैट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है हमारी मॉर्निंग की चाय, बिकॉज वाश शगल अच्छे लग रहे हो बाल थोड़े से तुम्हारे, थैंक यू अभी जब सेट करते हैं ना तो और अच्छे लगते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो कल रात को आपने देखा आई वॉज वेरी इमोशनल, मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई, मतलब अनन्या से बात करके बेसिकली वो उसका पता है मैंने जैसे बोला ना उसको, मतलब सोने से पहले ऐसा चाहिए मम्मा मम्मा का हग, तो ऐसा बोल रही थी कि मम्मा आप आ जाओ मुझे लेने के लिए अभी के अभी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। फिर उसके साथ में जो वॉलंटियर्स वगैरह थे वो भी उसको वो करने का ट्राई कर रहे थे, तो उसके बाद शायद वो सो गई होगी क्योंकि उसके बाद फिर कुछ कॉल वॉल कुछ आया नहीं। और एज अ मदर एज अ पेरेंट होता है ना आपको, मतलब अभी कैसा है वहाँ पे अकेले वो सो रही है, कैसे सोई, वो दिमाग में पूरी रात घूमता रहा तो ठीक से नींद भी नहीं आई। बट चलो ठीक है, आज सुबह जब उनका मैसेज आया ना सारा जो आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज रहता है कि आज क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान्ड अप हैं, तो कुछ फोटोज शेयर करी थी, अनन्या की भी फोटो थी जो रेडी थी, तो देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो। सो आई नो पूरे दिन वो बहुत मस्ती करती है, बहुत इन्जॉय करती है, पर रात को वो जो एक मोमेंट होता है ना 5-10 मिनट का, वो मोमेंट इज समथिंग आई वॉज यू नो, जिसकी वजह से ही मैंने शायद उसको भेजा था कि शी लर्न्स यू नो सब कुछ। बट चलो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉर हर टू, बट देन आई थिंक वी बोथ आर लर्निंग, मैंने उसको भेजा था लर्न करने के लिए, बट समवेयर आई थिंक आई एम ऑल्सो लर्निंग कि हाउ टू स्टे यू नो जब बच्चे साथ में ना हो, तो इट इज़ टफ बिकॉज पूरे दिन अराउंड रहती, आसपास रहती, घूमती रहती, मम्मा ये मम्मा वो मम्मा ये मम्मा ऐसा वैसा, पता है आपको लड़ते रहते हैं हम लोग पूरे दिन, तो वो चीज़ें बहुत मिस होती हैं। अभी आप घर पे अकेले हो, बिल्कुल घर शांत पड़ा है, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है,
तो फील होता है जो हम काफ़ी जगह मेम्स वगैरह पढ़ते हैं ना हम, कि देखते हैं ना कि अ मेसी हाउस शोज यू हैव एक्टिव और यू नो वैसा बच्चा, एंड घर सेट है तो मतलब वो घर में, समझ रहे हो ना आप, वो तो वही सब। तो चलो एनीवेज, बस आज कल, हाँ कल परसों शाम तक वो आ जाएगी, सो वही मैं वेट कर रही हूँ। तो गुड टू सी दैट शी इज़ एंजॉइंग अगेन। तो अभी देखते हैं, तो फिर मैं ट्राई करूँगी अगर उससे बात बात हो सकी। नेटवर्क का इशू रहता है उधर थोड़ा सा, अगर बात हो तो लेट्स सी कैसा रहा, कैसा आज का दिन रहा। फोटोज़ वगैरह वो लोग शेयर करेंगे तो पता लगेगा। लास्ट टाइम बताया था ना, तो मैंने ये छोटा वाला पैक उसका मंगाया है। लेट्स सी, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ले सकते हो। एक मिनट, एक हाथ से हो नहीं रहा है, लेट मी ओपन इट विद बोथ दी हैंड्स। आ गया, आ गया। सो इसके बहुत बड़े बड़े वो भी आते हैं, लेकिन मेरा उतना तो यूज़ होता नहीं है, सो ये छोटा वाला ही मैंने मंगाया है। ऐसा है, स्मेल में इतना डिफरेंस है ना, मैं आज तक वनीला एसेंस यूज़ करती थी, एंड दिस इज़ वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सो लास्ट टाइम सोनिका शी इज़ अ बेकर, तो उसने मुझे बताया था, पैनकेक बनाया था ना, तो मैंने वही पूछा उसको कि भाई एग की स्मेल तो बिल्कुल नहीं आ रही, तो उसने बोला कि शी यूज़ एक्सट्रैक्ट, और एसेंस है ना सिंथेटिक काइंड ऑफ होता है, तो ज़्यादा डालोगे तो वो कड़वा टेस्ट आता है उसमें, केक्स या फिर आप पैनकेक्स वगैरह बनाते हो, सो इसलिए मैंने ये मंगाया। सो लेट्स सी, यूज़ करती हूँ उसको। सोफ़ा भी पूरा साफ हो गया है और कारपेट भी अच्छे से धो दिया है, थोड़ा बाहर गर्म है ना तो बाहर लगा दिया है, कारपेट सूख जाएगा होपफुली बहुत जल्दी। अच्छा कलर अलग से निकल गया है इसका बिल्कुल। चलो फ्रेंड्स, अब फाइनली शांति से बैठ के बताती हूँ अरण्या को कहाँ भेजा, क्यों भेजा। मेरी 10 साल की छोटी सी बेटी अकेले अपना बैग लेके जब जा रही थी, ऐसा लगा था ओह गॉड, मतलब मैं तो पूरा पिक्चराइज कर रही थी जब बड़ी हो जाएगी, पढ़ाई कॉलेज वगैरह जाएगी, अभी तो पता है कि 3-4 दिन में वापस आने वाली है, जब बड़ी हो जाएगी साल में एक बार आएगी स्पेशल ओकेजंस पे, तब मतलब आई नो। तो चलो अभी बताती हूँ आपको कहाँ भेजा, तो कहाँ भेजा हमने उसको, पंचगनी पहली बार। सो बेसिकली क्या है, समर कैंप्स बचपन में जैसे हम हमेशा से देखते आए ना, वो कुछ कुछ होता है मूवी में समर कैंप जहाँ पे बच्चे जाते हैं सिर्फ अकेले। सो अभी तो समर कैंप के नाम पे ऐसा हो गया है ना, मतलब हर समर वेकेशन में समर कैंप, तो वो सोसाइटी के अंदर ही जो अपने घरों में ही पेंटिंग वेंटिंग करवाते हैं वो समर कैंप बेसिकली वैसा चल रहा है। तो हमको पता नहीं था ऐसे आउटडोर समर कैंप्स भी होते हैं कंडक्ट। सो इसका जो सारा क्रेडिट है ये जाता है निहाली अरण्या की बेस्ट फ्रेंड, जा चुकी ऑलरेडी एक बार। हाँ, सो लास्ट ईयर वो गई थी, उसने अरण्या को ही पूछा था, बट क्योंकि तब अरण्या 9 साल की थी, निहाली अरण्या से शायद 2-2.5 साल बड़ी है ना, ऐसे ही कुछ बड़ी है, तो मतलब शी वॉज केपेबल और वो बच्ची बहुत स्मार्ट है, और अरण्या 9 साल की थी तो अरण्या को तो जाना था, बट वी वर नॉट लाइक दैट कम्फर्टेबल। ठीक है, एक साल और सही, उसके बाद मतलब केपेबल इनफ की ठीक है अपने आपको संभाल सकती है। हाँ, तो हमने उसको बोला था अगले साल तेरे को भेजेंगे, तो निहाली आई एंड शी गेव अस ऑल द एक्सपीरियंस कैसा क्या था। सो इस साल हमने उसको फिर फाइनली भेजा। सो बेसिकली अरण्या गई है थ्रू पगमार्क्स समर कैंप करके,
सो काफी जगह लेके जाते हैं ना थ्रू आउट इंडिया, केरला, एटलीस्ट अपने पास तो खैर ये शिमला मनाली और इसका था मनाली, हाँ मनाली वगैरह भी लेके जाते हैं। मेरा फ्रेंड का बेटा है वो गया है वहाँ पे मनाली में, सो काफी जगह करवाते हैं ये लोग, तो हमें मनाली वगैरह तो मतलब बहुत दूर हो जाता है उसके लिए। सो हमने पंचगनी भेजा उसको, पंचगनी इज व्हाट, 3 घंटा, पंचगनी दो ढाई घंटा, हाँ तो पास ही है, तो ऐसा हम लोग कुछ जरूरत पड़े तो हम उसको लेने जा सकते हैं। सो वहाँ पे 3 nights 4 days का प्रॉपर उनका है, वहाँ पे कैंप्स है, डोमेट्री रूम्स है, वहाँ पे वो पूरी एक्टिविटीज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, एंगेज रखते हैं बेसिकली पूरे 3 दिन वैसा ही जैसा हम लोग कुछ कुछ होता है मैं देखा, वो थोड़ा ज्यादा होता, हाँ मतलब ग्लैमरस था, तो यहाँ पे भी मतलब सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी, रैपलिंग, वो जो माउंटेन में आप चढ़ते हो ना रस्सी लेके, वो था टार्जन केव एक्सप्लोरेशन, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। सो आप इनके वेबसाइट या फिर आप फेसबुक पेज है इनका, वहाँ पे जाओगे पगमार्क समा कैंप करके तो आपको मिल जाएगा, केरला वेरला सब जगह लेके जाते हैं। सो ये पैकेज था, तो वी वर वेरी वो इंटरेस्टेड, कि दो रीजन था, दो क्या काफी रीजन है इसके, कि अनन्या कभी हमसे दूर रही नहीं, पहली बात है, हाँ तो हम कहीं पे भी जाते हैं तो शी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट, मतलब मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, तो अब जो एज आ रही है ना उसकी, वी वांटेड हर टू बी थोड़ा अपने ब्लेस यू चीजों को ना वो खुद करना सीखे, अकेले करना सीखे। पहले हम जब बचपन में हमारी गेटेड सोसाइटीज नहीं होती थी, हम लोग बाहर कहीं पे भी घूमते थे, बट अभी हम छोड़ते भी हैं तो भी इट इज लाइक एवरीथिंग इज गेटेड, दे आर प्रोटेक्टेड, तो एटलीस्ट थोड़ा बाहर जाके एक थोड़ा इंडिपेंडेंस का वो आता है, फील आता है कि हाँ उसको कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे मैनेज करना है चीजों को, तो वो सब चीजें तो वो सीख लेगी साथ में। तो इसीलिए उसको भेजा, तो फर्स्ट नाइट जैसे आपने देखा कि शी वाज क्राइंग यस्टरडे, आज शी वाज वेरी हैप्पी, सो लर्निंग है उसके लिए, तो लगता है ये कह रहा मतलब बच्चों को कभी रहे नहीं, कभी नहीं रही वो मुझसे अलग, कभी नहीं, हम हमेशा यहाँ पे रहे हैं पुणे में, हमारी फैमिली दिल्ली में, तो कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि उसको छोड़ के आए फैमिली रिलेटिव के पास, नाइट क्या नाइट आउट फ्रेंड्स के साथ 3-4 बजे वापस आ जाती है मम्मा के पास, तो अभी पॉसिबल नहीं है उसके लिए वहां से आना, तो नाउ शी इज हैप्पी, शी इज लर्निंग, सो अभी देखते हैं अगले बार शायद कहीं थोड़ा और दूर या फिर यहीं पे कहीं पे और, तो हम बीच बीच में ऐसा सोच रहे हैं उसको भेजें ताकि शी लर्न्स। तो बेसिकली ये था कहां हमने उसको भेजा है। सो मैंने जैसे डिटेल्स आपको उन्होंने बताया नहीं बताया, 3 nights 4 days का था, हाँ, और पंचगनी करके यहाँ पे है, तो वहां गई है, पंचगनी ओके, वहां गई है, महाबलेश्वर के पास है, इन केस यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, दिस साइड ऑफ द कंट्री, हाँ, सो वहां गई है, सो वो 2-3 दिन में आ जाएगी, एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो कब आए, और यू नो अरे यार मैं बता नहीं सकती, मतलब उसके बिना इट इज घर ऐसे खाली सूना, क्या बोलूं मैं, मतलब हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है ये, बट देन जरूरी है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। सो ये था डिटेल, हमने अनन्या को कहाँ भेजा है, दैट कुछ कुछ होता है समर कैंप पे भेजा है बचपन में, बचपन में तो मतलब ऐसा ऐसा लगता था, ऐसा मतलब समर कैंप, ओ माय गॉड, तो मेरा भाई गया था, मानस गया हुआ है समर कैंप, मतलब वो ना वो रॉ वाला नहीं होता माउंटेन में बच्चों को लेके जाके, आर्मी का एक बंदा था वो वहाँ पे एक्चुअल में कैंप्स लगाता था, यहाँ पे जैसे सीमेंटेड रूम्स वगैरह ना वहाँ पे ऐसा नहीं था, एक्चुअल कैंप्स होता है, इन सब चीजों से सीखते हैं, नहीं बच्चे सीखते हैं ना, तो मैंने शायद 9th या 10th में था तब गया था, मैं कहीं नहीं गई, आई विश मैं गई होती। सो यस, तो चलो ये था डिटेल, और बाकी और कुछ आपको डिटेल्स चाहिए होगा तो डू लेट मी नो, आई वुड लव टू हेल्प, और अनन्या आ जाएगी तो थोड़ा और मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बता पाऊंगी, प्लस माइनस क्या है क्या नहीं है। सो या दैट वाज इट, तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।